हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम लोग थोड़ा सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। एमएससी भी सेमेस्टर वाइज हो गया है, मोस्टली यूनिवर्सिटी में पहले से हो गया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से रिलेटेड जितने कॉलेज हैं उनमें भी अभी तक जो सिलेबस चल रहा था वो ईयरली एग्ज़ाम के बेस पे था। अब वहाँ पे सेमेस्टर की प्रोसेस या कह सकते हैं सेमेस्टर की प्रक्रिया लागू कर दी गई। ओके, तो कुल मिला के 4 सेमेस्टर रखे गए हैं। फर्स्ट ईयर के 2 सेमेस्टर और सेकेंड ईयर के भी 2 सेमेस्टर। बीएससी में इससे पहले ही लागू हो गया था, बस यहाँ पे बचा था। तो आज हम लोग थोड़ा सा एमएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के सिलेबस पे बात करने वाले हैं। आपको ये जानना होगा कि क्या क्या पढ़ना है आपको इसमें। ओके, तो जो सिलेबस यहाँ पे हमने लिखा है वो मोस्टली डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेजेस के बारे में है। इनसे संबद्ध जो भी कॉलेज हैं वहाँ पे क्या चलने वाला है उसकी बात करते हैं। ओके, तो टोटल पेपर की संख्या पहले भी 5 थी, नंबर ऑफ पेपर्स 5 थे, इस बार भी नंबर ऑफ पेपर 5 है। बट थोड़ा सा आपको रिलैक्स किया गया है, आपको 5 पेपर नहीं पढ़ने हैं। लास्ट के 2 पेपर में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है, चूज़ कर लेना है कि क्या आपको पढ़ना है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने कंटेंट लिखा है कि टोटल कितने पेपर हमने यहाँ पे लिखे, बोर्ड पे लिखे हुए 5 पेपर आपके पास है। पेपर नंबर फर्स्ट का जो नाम है वो है मैथमेटिकल मेथड फॉर फिजिक्स। ओके, क्या नाम है इसका? मैथमेटिकल मेथड फॉर फिजिक्स। ओके, यूनिट 4 रखी गई हैं इसमें। क्या क्या हैं? एरर्स एंड मेजरमेंट, बहुत पुराना नाता है आपसे इससे, इंटरमीडिएट में भी एक होता था, मापन एवं त्रुटि। ओके, तो एरर्स और मेजरमेंट को थोड़ा सा इन्हांस किया गया है, कुछ चीज़ें नहीं हैं इसमें। दूसरा, स्पेशल फंक्शंस क्या हैं, सेकंड यूनिट जो इसकी है। तो जो लोग मैथ से रहे होंगे थर्ड ईयर में उनको थोड़ा सा ईजी है ये। ओके, लेकिन जिन्होंने लास्ट ईयर केमिस्ट्री फिजिक्स ले लिया है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम इस पेपर में क्रिएट हो सकता है, क्योंकि इस पेपर का कुछ कंटेंट जो है वो बीएससी थर्ड ईयर में जो लास्ट ईयर मैथमेटिक्स के सिलेबस में था वो रखा गया है। स्पेशल फंक्शन में सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन, और खासकर स्पेशल फंक्शन कौन से थे? लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें 2 और भी जोड़े गए हैं। ठीक है, मोस्टली जो बुक में रहता है तो आप केवल लेजेंडर और बेसल पे ही दिमाग लगाते हैं। आप ये जान लीजिए कि सीरीज जो है इसमें 2 और जुड़ गई है, एक हर्माइट जिसका यूज आप एक पेपर था बीएससी सेकंड ईयर का क्वांटम मैकेनिक्स, वहाँ पे आप हार्मोनिक ऑसिलेटर को सॉल्व करते समय हर्माइट के डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करते थे। एक और इसमें इंक्लूज हुआ है वो है लेग्यूरे। ओके, तो स्पेशल फंक्शन में 4 बड़ी सीरीज आपको पढ़नी है, लेजेंडर, बेसल, हर्माइट और लेग्यूरे। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का भी एक पेपर हुआ करता था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नाम से। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप बेहतर समझते होंगे कि उसमें तमाम सारा जो है आपने कंटूर वंटूर सब पढ़ा था। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मोस्टली जो है कंटेंट रखा गया है, लेकिन बहुत चुन चुन के रखा गया है, पूरा पेपर नहीं है। लास्ट में आपको लाप्लास और फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, ये भी मैथमेटिक्स का पेपर हुआ करता था, शायद बीएससी सेकंड ईयर में था, जिनके यहाँ जैसे भी चलता रहो, कहीं थर्ड ईयर में चलता है कहीं सेकंड ईयर में चलता है, तो ये भी रखा गया है। तो अगर इस पेपर को आप ध्यान से देखें तो इसमें यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड एंड यूनिट नंबर 4 टोटली मैथमेटिकल, तो पेपर का नाम ही है मैथमेटिकल मेथड फॉर फिजिक्स। ओके, इनको मिला के आपको पेपर नंबर फर्स्ट पढ़ना है। ठीक, और इसके लिए बुक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसकी सबसे बेहतर किताब जो है जहाँ से आपको मैक्सिमम कंटेंट मिल सकता है, दैट इज एच के दास। ये एस चांद पब्लिकेशन की बुक है और ये बेहतर चल रही है इस समय। हर बुक का अपना ट्रेंड होता है, इस समय इसका जो है क्रेज तगड़ा है। एक किताब और है, कुछ पुरानी है, बी एस राजपूत, इस बुक को भी आप देख सकते हैं, ये मे भी प्रगति प्रकाशन की बुक है। तो बी एस राजपूत से भी आपका काम बन सकता है। तो एच के दास या बी एस राजपूत, ये इसको कंप्लीट कवर कर देगी, मैक्सिमम कंटेंट आपको मिल जाएगा, ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। और यदि आप मैथमेटिक्स की बुक आपके पास है तो द बेस्ट है। दूसरा पेपर जो आपका है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स। ओके, पुरानी मैकेनिक्स,
हिंदी होती थी चिर संबत यंत्र की, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। वहाँ ये पेपर आपने कभी नहीं पढ़ा है, अगर लास्ट आप इस यूनिवर्सिटी का ही सिलेबस को कंटेंट करते होंगे तो। मैं अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं करता, लेकिन यहाँ पे जो है राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पे ये कई सालों से नहीं चल रहा है। ओके, इसकी जगह पे स्टेटिस्टिकल फिजिक्स चलाई जा रही है, सॉलिड स्टेट चलाई जा रही है। क्लासिकल पीछे कई सालों से नहीं थी, दोबारा से इसकी वापसी एमएससी में हो गई है। क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर पर या कौन कौन से यूनिट पढ़नी है, लैग्रेंजियन फार्मूलिज्म, हैमिल्टोनियन फार्मूलिज्म, ठीक है, या फार्मूलेशन, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम एंड स्मॉल ऑसिलेशन। इन चार यूनिट को मिला के आपका कौन सा बना है, ये बना है क्लासिकल मैकेनिक्स। और इसकी एकमात्र और बहुत बेहतर किताब है, ठीक है, वो बुक है इसकी जेसी उपाध्याय द बेस्ट। यहाँ से आपका कष्ट दूर हो सकता है। या और अच्छी बुक लेना चाहते हैं आप तो गोल्ड स्टीन, ठीक है, ये भी एक बुक है, इसको भी लोग प्रेफर करते हैं। लेकिन आप जेसी उपाध्याय हो सकता है कि बेहतर पढ़ लें, ये फॉरेन राइटर की बुक है, हो सकता है लैंग्वेज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करे, बट बुक बेस्ट है। ओके, तो पहला पेपर आपका हो गया मैथमेटिकल, एच के दास या बी एस राजपूत आप ले सकते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में आप जेसी उपाध्याय या गोल्डस्टीन को यूज़ कर सकते हैं। आगे क्वांटम मैकेनिक्स, ओके, ये आपकी पुरानी जान पहचान है, इससे ये बीएससी में सिलेबस जहाँ भी रहता है रहता जरूर है। बेसिक फार्मूलिज्म है इसमें, बेसिक फार्मूलिज्म का मतलब ये है कि श्रोडिंगर इक्वेशन होते क्या हैं, क्या उनकी नीड है क्वांटम मैकेनिक्स की। ओके, उसके आगे क्या है, उसके आगे ये है कि आप श्रोडिंगर इक्वेशन को टाइम डिपेंडेंट कैसे जानते हैं, इनडिपेंडेंट कैसे जानते हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, आप वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं, ऑर्थोगोनलिटी चेक करनी हो तो कैसे करें। ओके, तो बेसिक चीज़ें पास्टुलेट्स क्या हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, इन सबको मिला के ये बना है बेसिक फार्मूलिज्म। एक और छोटी सी बात इसमें जुड़ गई है, ऑपरेटर, ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर एक नया जुड़ा है, वो सब मिला के आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है। यूनिट सेकंड है वन डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन प्रॉब्लम। वन डायमेंशन प्रॉब्लम क्या है, वन डायमेंशन प्रॉब्लम का मतलब पार्टिकल वन डायमेंशनल वेल में होगा तो कैसे उसका श्रोडिंगर इक्वेशन बनेगा, कैसे उसको आप आइगन फंक्शन निकालेंगे, कैसे उसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे, और यही चीज़ आपको थ्री डायमेंशनल वेल में भी करनी है। अब अगर आप थ्री डायमेंशन में जाते हैं तो थ्री डायमेंशन में कई सारे कोऑर्डिनेट होते हैं, कार्टिजियन कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई जेड, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट होता है आर थीटा फाई, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट होता है आर थीटा जेड, ठीक है। तो तीन अलग अलग कोऑर्डिनेट आप थ्री डी में पढ़ सकते हैं, एक एक्स वाई जेड कार्टिजियन, एक आर थीटा फाई स्फेरिकल पोलर, एक आर थीटा जेड सिलेंड्रिकल पोलर, और इनको आपस में ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, ये भी मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है बट आपको जानकारी में होना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको कहाँ रखी गई हैं, वन डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन प्रॉब्लम में। अगला है जनरल फार्मूलिज्म। ओके, अब जनरल फार्मूलिज्म क्या है, इसमें कुछ चीज़ें जो है जो बीएससी में आपके पास नहीं थी वो रखी गई हैं, जैसे हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, श्रोडिंगर पिक्चर क्या होती है, हाइजेनबर्ग पिक्चर क्या होता है, इंटरेक्शन पिक्चर क्या होता है, ये न्यू है एकदम। तो ये सब मिला के जनरल फार्मूलिज्म। अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, इसमें एक थ्योरी बहुत इसमें पर जो है वो यूज होती है, दैट इज कॉल्ड परटर्बेशन थ्योरी। परटर्बेशन थ्योरी उसको आपको इसमें पढ़ना है। अब इसके लिए अगर बुक की बात करें तो एक बुक इसकी सत्य प्रकाश बहुत अच्छी है, सत्य प्रकाश भी आप इसके लिए पढ़ सकते हैं, या आप इससे और आगे बढ़ना चाहते हैं तो ग्रिफिथ पढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ना चाहते हैं तो जेटली पढ़ सकते हैं। ये सब बुक हैं जिनमें इनका सिलेबस आपको मिल जाएगा, सत्य प्रकाश, ग्रिफिथ या जेटली फॉर क्वांटम मैकेनिक्स। चौथे पेपर की बात करते हैं और पांचवें पेपर की, इस पेपर और इस पेपर में से कोई एक पेपर आपको सेलेक्ट करना होगा। इस तरह का इस बार रखा गया है सिस्टम, या तो आप न्यूमेरिकल मेथड और सी प्रोग्रामिंग ले लें। अगर आप इसको लेते हैं तो फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक पेपर था मैथमेटिक्स में, वो आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, कुछ पोर्शन उसके रखे गए हैं, और उसके साथ कंप्यूटर की सी प्रोग्रामिंग भी आपको पढ़नी पड़ेगी। इसका मतलब एक पेपर यहाँ मैथ का था, एक फिर से आ गया। और अगर आप इसे बचना चाहते हैं, आप इसे नहीं पढ़ना चाहते हैं, ये आपको अच्छी जानकारी आप यही पढ़ना चाहते हैं, एज यूर विश। पेपर नंबर फाइव है, ये फिर से प्योर फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, लेज़र, ऑप्टिकल फाइबर और सेंसर, इन तीन अलग अलग सेक्शंस को मिला के पेपर नंबर फाइव बनाया गया है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन,
मोस्टली इसके लिए रखा गया। इसकी यूनिट फर्स्ट क्या है, लेज़र का बेसिक क्या है? तो लेज़र का बेसिक मुझे लगता है कि ऑप्टिक्स का ही पेपर हुआ करता था, उसमें लेज़र रहती थी यूनिट नंबर 4 में। लेज़र बनती कैसे है, लेज़र होती क्या है, लेज़र के लिए क्या होता है? एक प्रक्रिया होती थी स्टिमुलेटेड एमिशन, उसके बिना आप लेज़र नहीं बना सकते। और कुछ लेज़र आपके सिलेबस में थी, रूबी लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र, सेमीकंडक्टर लेज़र, उन सबको आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट फर्स्ट में। सेकेंड जो आपका है वो है इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं इनके बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशन क्या है ऑप्टिकल फाइबर का, वो आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। और लास्ट में आपको ऑप्टिकल सेंसर पढ़ने हैं। ऑप्टिकल सेंसर का मतलब ये होता है ऐसे सेंसर जो लाइट बेस्ड हो, जैसे लाइट बेस्ड अलार्म, लाइट बेस्ड डोर, दरवाजे ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंसर रखे गए हैं कि उन सब के बारे में आपको पढ़ना है जो लाइट की सेंसिटिविटी से ऑपरेट होते हैं। ये आपका सिलेबस है फॉर एमएससी फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर, मोस्टली फॉर कॉलेजेस ऑफ राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। ओके, और ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इसके लिए भी अगर आप बुक देखना चाहें तो चूंकि बीएससी में इसका ABCD कहीं नहीं है, ठीक है, तो अगर इसका ABCD नहीं है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी बुक भी आपको नहीं मिल सकती हैं। कुछ बुक्स हैं जो आपको 2-3 पब्लिकेशन में मिल सकती हैं, जैसे PHI में एक पब्लिकेशन है PHI का, आप सर्च करके चेक कर सकते हैं। एक न्यू एज इंटरनेशनल का है, इन सारे पब्लिकेशन में इनकी बुक मिल सकती है आपको। लेकिन ये कंटेंट कुछ इस तरह का नहीं है कि आपको सीधा सा मिल जाएगा। तो टोटल ये 5 पेपर हैं, इसमें से आपको किन्हीं 4 को सेलेक्ट करना है, लेकिन सेलेक्ट करने की फ्रीडम आपको कहाँ है, पेपर नंबर 4 और 5 में से कोई एक। फर्स्ट 3 पेपर्स आर कंपलसरी, ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। कौन कौन से? मैथमेटिकल मेथड, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, और इनकी क्लासेस अगर आप ऑनलाइन चाहते हैं, कोर्स इनके चाहते हैं, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9838692400, ये नंबर है। या दूसरा आप कर सकते हैं, ऐप है प्ले स्टोर पे स्टूडेंट पॉइंट अयोध्या के नाम से। ओके, एप्लीकेशन पे भी आप हमको, वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, स्टूडेंट पॉइंट अयोध्या। ओके, ठीक, आगे मैं कोशिश करूँगा कि कुछ वीडियोस आपको धीरे धीरे इस चैनल पे मिलते रहें, स्टूडेंट पॉइंट अयोध्या पे। तो शेयर करिए अपने साथ वालों को, कांटेक्ट करिए यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो। और सिलेबस बेहतरीन है, PG के जो भी स्टूडेंट हों आपके संपर्क में या अदर अदर कॉलेजेस में, जो मोस्टली डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वाले, तो ये पेपर और भी यूनिवर्सिटीज़ में चलते हैं, कुछ इनमें से आपको और भी यूनिवर्सिटीज़ के जो भी स्टूडेंट हैं उनको भी मिल सकते हैं, तो वहाँ से उनका भी कुछ काम हो सकता है। थैंक यू, फिर मिलते हैं।